क्लास बी में इंग्लिश मीडियम किया गया, अटल आदर्श विद्यालय भटवाड़ी का दौरा कर रहा हूँ और केमिस्ट्री के टीचर केशव नौटियाल जी मुझे मिलते हैं पढ़ाते हुए, बिल्कुल युवा है, 2016 अपॉइंटमेंट हुआ। नौटियाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नौटियाल जी, कब यहाँ पर आए हैं आप? सर मेरा जो ज्वाइनिंग है ओके वो रिसेंटली है, मुझे एक महीना ही हुआ है। अच्छा, तो अटल उत्कृष्ट में पहले मैं चमोली में था, ओके नागनाथ पोखरी में। तो बड़ी दूर से आपने टप्पा मारा सीधे चमोली से उत्तरकाशी, ये कैसे हुआ नौटियाल जी? हाँ सर, एक्चुअली कुछ विद्यालय जो है ओके हमारी जो गवर्नमेंट है ओके एक अच्छी सोच है कि अटल उत्कृष्ट कुछ विद्यालय किए हैं। ओके नीड भी थी आज की जनरेशन में ना, आज के समय में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि गवर्नमेंट सेक्टर पिछड़ता जा रहा है। ओके तो एक अच्छी पहल थी, एक अच्छी सोच थी। ओके मुझे लगता है कि एक अच्छी जो पॉलिसी होती है ओके उससे रिलेटेड अगर कुछ परसेंट भी अगर बच्चों का फायदा होता है तो वो बच्चों को हमें फायदा देना चाहिए। अच्छा, डू यू सपोर्ट रियली दिस इंग्लिश मीडियम? या इट्स नेसेसरी। अच्छा, डोंट यू थिंक रियली द टीचर्स मोस्ट आर हिंदी मीडियम, तो हाउ इट विल बी चेंज? लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आर हिंदी मीडियम, ओके, बट इन दिस कंडीशन बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट अवर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आर उत्तराखंड बोर्ड्स, दे आर बिलोंगिंग टू हिंदी मीडियम, बट वेन वी एंड ही शिफ्ट इंग्लिश मीडियम दीज आर लिटिल स्मॉल प्रॉब्लम। अच्छा सर, यू काइंड ऑफ यूथ आर दियर, तो गवर्नमेंट के जो आपको यहाँ पर भेजा, आई थिंक यू आर द सच अ डिलीजेंट इन योर ओन सब्जेक्ट। जब मैं देख रहा हूँ सर्वे करके, इनफैक्ट द स्टूडेंट लेवल इज हाउ इट कैन बी चेंज, डू यू थिंक लेवल शुड बी चेंज सिक्स क्लास, नॉट जस्ट 11 और 9? डू यू सपोर्ट? नहीं, वो सही बात है सर कि बच्चों का जो बेसिक लेवल है ओके वो चेंज होना चाहिए था। ओके बट हम गवर्नमेंट, जैसा मैंने कहा, गवर्नमेंट पॉलिसी को हम एकदम से नकार नहीं सकते हैं। राइट, तो अच्छी पॉलिसी है, मुझे लगता है धीरे धीरे टाइम आने पे वो भी चेंज आएगा। अच्छा, मोस्ट टीचर्स हिंदी मीडियम के हैं, सम हाउ दे आर एबल टू टीच इन इंग्लिश मीडियम, बट अल्टीमेटम प्रॉब्लम है। डू यू बिलीव यू आर यंग? नो सर, रियली ये डिफरेंस रहेगा हमेशा, ये इट विल बी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सारे अध्यापक, जितने भी अध्यापक हैं, वो मुझे लगता है सब लोग अंग्रेजी में पढ़ा सकते हैं। ओके और जितनी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट मुझे लगता है होनी चाहिए एक सब्जेक्ट टीचर को, आई थिंक दे आर हैविंग, बट अल्टीमेटम बच्चे तो मुझे लग रहे शायद समार, सो आप जानते हैं आज के युग में सो टैलेंटेड एंड डिलीजेंट स्टूडेंट्स, तो फेसिंग देम नॉट इजी, तो उसके लिए क्या सरकार को शुड चेंज एक धीरे धीरे स्टाफ, यू काइंड ऑफ, आपके जैसे यू काइंड ऑफ शुड बी हियर अपॉइंटेशन आएगा सर, थोड़ा बच्चों को भी दिक्कत हो रही है। ओके होता ही है जब कोई नई पॉलिसी आती है, ओके कोई नई चीज जब भी आती है हमारे सामने थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे हम इस चीज को अडॉप्ट कर लेंगे। और क्योंकि बहुत जरूरी है सर इंग्लिश मीडियम में, इसके बाद बच्चे जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो मुझे लगता है वहाँ पे बच्चे गवर्नमेंट का बच्चा अलग से पहचाना जाता है। राइट, तो मुझे लगता है कि वो एक लैंग्वेज के नजरिए से कहीं पिछड़े ना। कमिंग डेज में डू यू थिंक हाउ मेनी इयर्स इट विल टेक टू अप टू द लेवल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट? सर ये तो मैं अभी नहीं बता सकता हूं। अराउंड योर गेस, यू आर द यंग, डिपेंड करता है सर बच्चों के लेवल पे। ओके उनका लेवल कैसा, बट यू आर जस्ट टीचिंग दिस डे, तो यू डेफिनेटली नो द लेवल ऑफ दिस गाइस क्वाइट गुड सर। व्हाट ऑन एवरेज आफ्टर कितने साल लगेंगे इनको, हाउ मेनी इयर्स? सर लगभग 2-4 साल तो लगेंगे। राइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। केशव नौटियाल जी केमिस्ट्री में यहाँ पर पीजी प्रवक्ता में है, बिल्कुल यूथ है, कहीं ना कहीं चमोली से यहाँ लाए गए, और जब स्टूडेंट से बात कर रहा था तो स्टूडेंट्स आल्सो फेवर, बिल्कुल ऑरिएंटेड है, स्टूडेंट्स आर टोटली सेटिस्फाइड व्हाइल ही इज टीचिंग एंड व्हेन यू आर टीचिंग, तो आई होप दैट दिस काइंड ऑफ शुड बी हियर अपॉइंटेड सो दे कैन गिव द प्रॉपर रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।